हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अंकिता किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही यूनिक रेसिपी लेके आए हैं जिसका नाम है चाइनीज़ चना, और ये बहुत ही टेस्टी है और साथ में हेल्दी भी होता है, क्योंकि हम चने में चाइनीज़ फ्लेवर देने वाले हैं और सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, रेसिपी के लिए पूरा वीडियो देखिएगा, और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। दोस्तों, चाइनीज़ चना बनाने के लिए तो सबसे पहले हमने सफ़ेद चना, जिसे काबुली चना भी कहते हैं, उसको ले लिया है और 5 से 6 घंटे तक सोक कर लिया है। अब उसे हम बॉयल करेंगे। बॉयल करने के लिए इसे कुकर में डाल लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। और कुकर को पैक करके 2 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। दोस्तों, बहुत ज़्यादा चने को नहीं पकाना है, नहीं तो ये गल जाएगा। दोस्तों, सीटी आ गई है, अब हम इसे बंद कर देंगे और कुकर को खुद से खुलने तक का इंतज़ार करेंगे। सीटी खुद से खुल चुकी है और ये देखिए, चना भी अच्छे से पक गया है बट गला नहीं है। अब इसे हम छान लेंगे। इसे छानने के बाद थोड़ा ठंडा पानी से भी वॉश कर लें ताकि ये ओवर कुक्ड ना हो। अब इसे हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल मिलाएंगे और अच्छे से चने के ऊपर कोट कर लेंगे। अब हमने लिया है चावल का आटा, आप चाहे तो इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। इसे हम 3 से 4 चम्मच तक चने में मिलाएंगे और अच्छे से कोट कर लेंगे ताकि चना हमारा बिल्कुल क्रिस्पी बने, और थोड़ा सा इसमें नमक भी मिलाएंगे। आप अच्छे से मिक्स करने के बाद सेम प्रोसेस एक बार और करें ताकि कोटिंग बहुत ही अच्छे से हो जाए। ये देखिए, चावल का आटा बिल्कुल कोट हो गया है, चने को बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। दोस्तों, ध्यान रखिए, डीप फ्राई के लिए तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए और फ्लेम हमारा बिल्कुल हाई होना चाहिए, और हम इसे थोड़ा थोड़ा करके डीप फ्राई कर लेंगे। आप जब भी चने को तेल में डालें तो तुरंत ही ना चलाएं, थोड़ा सा रुक जाए, नहीं तो चना टूट सकता है। अब इसे अच्छे से फ्राई करके हम निकाल लेंगे और सारे चने को ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये दिखने में ही बहुत क्रिस्पी लग रहा है। अब आप इसे निकाल के एक थाली में फैला के रख लें। अब हमने कुछ सब्जियां ली हैं, जैसे पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, और साथ में मिर्ची भी लिया है। आप चाहे तो मिर्ची स्किप कर सकते हैं अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो, क्योंकि हम इसमें थोड़े सॉस डालेंगे जिससे ऑलरेडी वो थोड़ा तीखा हो सकता है। तो अब हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने पैन को गर्म कर लिया है और उसमें थोड़ा सा तेल लिया है और तेल को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया है। और दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें टमाटर डालेंगे कि ताकि टमाटर का जितना भी पानी है वो जल जाए,
और ये हमारे चने को सॉफ्ट ना करें। उसके बाद इसमें हम बाकी के सब्जियां जो हमने काट के रखी हैं वो एक साथ मिला देंगे। अब इसे अच्छे से चला लेंगे। ये सारे काम हमें बिल्कुल हाई फ्लेम पे करने हैं दोस्तों, बहुत नहीं कुक करना है ना बहुत चलाना है, बस 10 से 15 सेकंड तक ही चलाना है ताकि सब्जियां बस हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, बट कुक नहीं करना है हमें। अब इसमें हम थोड़े से सॉसेस मिलाएंगे। सोया सॉस 2 स्पून मिलाया मैंने, और साथ में इसमें 2 स्पून विनेगर, रेड चिली सॉस 2.5 स्पून मिलाया। आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें थोड़ा सा सिर्फ 1 स्पून मिलाया टोमेटो सॉस। अब इनको अच्छे से हम सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। दोस्तों फ्लेम बिल्कुल हाई रखें थोड़ा स्मोकी फ्लेवर के लिए। अब इसमें हमने जो चना फ्राई करके रखा है उसको मिक्स कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों आप कभी चने को इस तरीके से बना के देखिए, आई एम श्योर आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही टेस्टी और उतना ही हेल्दी ये है। सॉस को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। दोस्तों ध्यान रहे सॉल्ट पहले ना डालें, नहीं तो सब्जियां सॉफ्ट हो जाएंगी और जो चने हमारे हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो जब आपको खाना हो तब आप इसमें सॉल्ट और थोड़ा सा नींबू का रस मिला के मिक्स कर लें और गरम गरम इसे सर्व करें। दोस्तों आप इस तरीके से कभी चने को बना के देखें, आई एम श्योर ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होता है और हेल्दी भी उतना ही होता है। तो दोस्तों रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक